हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू अवर चैनल। आज मैंने बनाया है कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क मेड बचे हुए दूध के साथ, क्योंकि हम लोग बाहर गए थे तो बाहर जाने के बाद बच्चे सिर्फ घर पे थे तो दूध बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, यूज़ नहीं किया इतना सारा, तो उसी दूध से मैंने आज ये मिल्क मेड बनाया है। बनाने से पहले आप देख लीजिए, मैंने मोटे तले वाला कुकर लिया है और उसके अंदर डाला है थोड़ा सा पानी, हाफ ग्लास से भी कम पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि जो हम दूध डालेंगे वो दूध इसके अंदर लगेगा नहीं। और दूध था ये 5.5 kg और इसको मैं अच्छे से बॉइल्ड कर लूँगी। और इसको आप चाहो तो फुल फ्लेम पर कर लो, चाहो तो आप स्लो फ्लेम पर कर लो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिल्क बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो गया है, बट हमें यहीं पर खड़े रहना है क्योंकि मैं इसको फुल फ्लेम पर ही बना रही हूँ और ये टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा अगर हम लोग सिम पर बनाएंगे। इसको बनाने को मुझे 2 hours लग गए थे, वीडियो में तो मैं आपको 3 minutes में दिखा रही हूँ, बट ये 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और यहाँ पर देख सकते हैं दूध अच्छे से बॉइल्ड होकर पूरा थिक हो चुका है, मतलब कि खोआ बनने को तैयार है। तो अभी हमने इसमें डाल दिया है 2.5 कटोरी शुगर। शुगर डालने के बाद भी हमें घुमाते रहना है, नहीं तो वो नीचे लग जाएगा। तो अभी देख लीजिए ये थोड़ा सा थिक और भी ज़्यादा होने लगा है, देख लीजिए। इसको आप चाहो तो फ़िल्टर कर लो, चाहे तो इसको आप ठंडा होने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लो। तो मैंने यहाँ पर अपना फ़िल्टर किया था और जो रेशे फ़िल्टर के टाइम पर आए थे उसका मैंने बनाया था कलाकंद स्वीट, बाद में कढ़ाई में दोबारा से मैंने उसको डाल दिया था। और बाकी जो हमारा मिल्क मेड मैंने बनाया था फ़िल्टर करने के बाद बचा था, आप देख सकते हैं जो नीचे फ़िल्टर होकर चला गया उसको भी हम लोग और भी ज़्यादा फाइन पेस्ट बना सकते हैं ब्लेंड करके, अगर आपको बिल्कुल मार्केट के जैसा चाहिए। बस उसमें हम लोग नहीं डालेंगे प्रिजर्वेटिव जैसे मार्केट वाले डालते हैं, वैसे नहीं डालेंगे। और ये बिना प्रिजर्वेटिव के 2 से 3 months तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपको फाइन पेस्ट करना है तो आप कर लीजिए। और ये देख लीजिए बन के हो गया है तैयार। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ठंडा हो गया है, मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मार्केट के जैसा नहीं चाहिए था, मुझे घर के जैसा ही चाहिए था तो मैंने ऐसे ही रखा। तो फाइनली मैं आप सबको करूँगी बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। There's not much to do when all I can is thinking about you.